हेलो एवरीवन, वेलकम टू पम्पास रेसिपी। फ्रेंड्स, आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग फॉर कॉन्टिनेंटल लवर्स। आई एम श्योर यू लव दिस। फिश कॉन्टिनेंटल बनाने के लिए सबसे पहले मैं कुछ वेजिटेबल्स की सॉटे के लिए तैयार करूंगी, जो इसकी कॉम्बिनेशन होगी। तो वेजिटेबल सॉटे के लिए सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर कुछ कटे हुए बीन्स, ये बेल पेपर, ब्रोकली, कैप्सिकम और ये सीडलेस फ्रेंच क्यूक्यूम्बर। इन सब सब्जियों का मैं अभी मैरिनेट करके रेडी करूंगी, जहाँ पर क्रश किया हुआ काली मिर्च होगा और साथ में ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होगा। और इस तरह से एक बाउल में मैं ये सारे सब्जियों को एक साथ ले लूंगी और फिर एक एक करके मैं ये सारे चीजों को, ये क्रश किया हुआ पेपर है मैं इसे डाल रही हूँ और इस पे मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, लेकिन बहुत कम डालें बिकॉज या फिर ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, तो थोड़ा हिसाब से कम ही डालें। और इतने सारे सब्जियों में मैं अंदाज में दो चम्मच, बड़े टेबल स्पून में दो चम्मच ऑलिव ऑयल डालूंगी और अभी इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये इस तरह से मिक्स हो गया है। अब मैं 15 से 20 मिनट्स तक इसे फ्रिज में रखूंगी फॉर मैरिनेशन। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिश मैरिनेशन की पार्ट है। फिश हमने जो लिए है वो है बोनलेस बाशा फिश। बाशा फिश की इस तरह से आप मैंने पीस कटवा लिया था आराम से, इसमें बिल्कुल भी काटा नहीं होता। आप ध्यान से याद रखिए, बाशा फिश, बाशा मछली, इसमें बिल्कुल काटा नहीं होता। तो अब इस मछली में मैं एक एक करके ये सारा चीज डालूंगी। सबसे पहले क्रश किया हुआ काली मिर्च, ग्राइंड किया हुआ लहसुन, लहसुन की पेस्ट, एक नींबू की रस, एक अंडा और कुछ फ्रेश पार्सले लीफ। अगर फ्रेश पार्सले लीफ नहीं मिले तो आप ड्राई पार्सले लीफ भी ले सकते हो। और इसके साथ मैं थोड़ा सा ओरिगेनो भी डालूंगी फ्लेवर के लिए। ड्राई ओरिगेनो मैंने डाला है यहाँ पे और रेगुलर फ्लोर में बड़े टेबल स्पून में दो स्पून रेगुलर फ्लोर लिया है और स्वाद अनुसार नमक डालूंगी। फिर इसे अच्छी तरह से, मैं हाथ का इस्तेमाल करूँ, आप स्पून से भी मिला सकते हैं। सारी चीजों को अच्छी तरह से ऊपर नीचे करके मिला के इसे भी 15 मिनट्स आप फ्रिज में रख दीजिए फॉर मैरिनेशन। इसके बाद आगे की स्टेप्स मैं बता रही हूँ। मैं अब पोटैटो मैश तैयार करूंगी, जो कि कम्प्लीमेंट्री साइड डिश होगा फिश कॉन्टिनेंटल के साथ। तो मैंने तीन आलू उबाल लिया है यहाँ पे और कुछ हरी मिर्च मैंने काट के लिया है, ये आप अपने अंदाज में ही लें। तो मैं तीन आलू में मैंने छोटे छोटे दो हरी मिर्च काट लिया था बारीकी से। यहाँ पे मैं मक्खन डालूंगी, वो भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं कितना आपको अच्छा लगे। और साथ में मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी और इन तीन चीज़ों का मैं मिक्स कर लूंगी। आपके पास पोटैटो मैशर है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैं कंफर्टेबल अपने हाथ से ही हूँ तो मैं हाथ से ही इसे इस तरह से मैश कर रही हूँ इस सब चीज़ों के साथ, मक्खन, हरी मिर्च और नमक बस। और मैंने यहाँ पे पोटैटो इस तरह से मैश कर लिया है। तो छोटे छोटे दो कटोरी या एक कटोरी चाहे तीन कटोरी, आप कितने सर्विंग, कितने को सर्विंग करेंगे उस हिसाब से रखें। मैं छोटी छोटी दो कटोरी ली हूँ, इसमें मैं ये मैश किया हुआ मिक्स आलू को रखूँगी ताकि मुझे सर्व करने में देखने अच्छे लगे बाद में। तो ऐसे रख दूँगी अभी जब तक। मैंने मैरिनेशन किया हुआ फिश को निकाल लिया है। यहाँ पर मैं कुछ व्हाइट ऑयल डालूंगी, इसे हल्का हल्का फ्राई करूँगी और एट द सेम टाइम मैं यहाँ पे कढ़ाई गर्म के लिए रख दिया है। यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो भी मैंने मैरिनेटेड वेजिटेबल्स है इसकी मैं सॉटे करूँगी, डाल के एकदम गैस को ठीक में कर लेना है। और एक बार इसे एक दो बार चला के हम थोड़ी देर के लिए इसे कवर कर देंगे। आप ध्यान रखें कि ये सब्जी जो बनेगी ये क्रंची रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है या बहुत देर तक नहीं पकाना है। अगर क्रंचीनेस ऑफ वेजिटेबल्स ख़त्म हो जाएगी तो इसकी टेस्ट खराब हो सकती है।
तो इस चीज की बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं स्ट्रेट वेजिटेबल्स डाला, आप देख रहे हो, बस अब मैं इसे सिम में करके कवर कर रही हूँ। तब तक मैं यहाँ पे फिश को फ्राई करना शुरू कर देती हूँ, जो मैंने मेरीनेट करके रखा था फिश को। सारे पीसेस को मैं यहाँ डाल दूंगी एक साथ, एक एक करके बन जाएगी। फिर मैं इसे कवर कर लूंगी और एक बार पलट दूंगी वापस। इसकी जो हर्ब्स डाली हूँ मैं यहाँ पे, इसकी वजह से इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। और यहाँ पे मैंने सारे फिश फिलेट्स को रख दिया है फ्राई के लिए, और मैं थोड़ी देर के लिए इसे ढक दूंगी, 5 मिनट्स करूंगी, फिर आके इसे पलट दूंगी सारी फिलेट्स को। जब तक ये फिश यहाँ पे तैयार होती रहेगी तब तक मैं इसके ढक्कन को निकाल के एक बार चेक कर लूंगी और इसे ऊपर नीचे एक बार चला दूंगी, फिर इसे ढक दूंगी। बस 5 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसकी लीड को हटाती हूँ और एक एक करके ये जो फिश फिलेट है इसे मैं पलट दूंगी ताकि दूसरी साइड भी अच्छी तरह से पक जाए। फिर से बता रही हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे 2-3 तरह की हर्ब्स डाली है तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। बस टेम्पटिंग सा लग रहा है। आप जरूर कोशिश करें इस रेसिपी को बनाने के लिए घर में, कभी हॉलीडे हो कुछ हो या कोई स्पेशल गेस्ट आ रहे हो तो आप बनाएं, सबको खा के अच्छा लगेगा। ये मेरी ये वेजिटेबल्स सॉर्टे हो गई है तो मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए हटा दूंगी और लेमन सॉस में तैयार करूंगी। लेमन सॉस तैयार करने की जो इंग्रेडिएंट्स है वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहले तो मैं एक छोटी सी इस तरह से सॉस पैन ले लूंगी, एक लेमन जूस मैंने यहाँ पे डाला है और इसे मैं हीट करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक लेमन जूस बॉईल के लिए रखा है, जैसे इसकी एक उबाल आए मैं यहाँ पे 1 चम्मच बटर डालूंगी और बटर के साथ मैं थोड़ा सा क्रश किया हुआ पेपर डालूंगी और थोड़ी सी ऑरिगेनो डालूंगी फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे इस तरह से मेरे जो फिश फिले है ये फ्राई हो रही है, मैं 1-2 बार इधर उधर पलट रही हूँ सो दैट इट गेट्स कुक वेल, ताकि कच्चा ना रहे। सिम में करके मैं सारा फिले को फ्राई करूंगी 2-1 बार पलट पलट के। यहाँ पे मैंने मक्खन छोड़ दिया और क्रश किया हुआ यहाँ पे पेपर डाल रही हूँ और थोड़ी सी फिर से ऑरिगेनो डाल रही हूँ जैसे मैंने बताया। अब बस ये इसे थोड़ी सी इस तरह से यहाँ थोड़ा सा इसे स्टेयर कर लूंगी इस तरह से, बस आधे मिनट में बन जाएगी। तब तक मैं ये फिश फिलेट और वेजिटेबल्स को मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। इस तरह से मैंने एक सर्विंग प्लेट में सारा निकाल लिया है। मैंने जो पोटैटो पहले जो आलू मैश करके रखा था मैं इसे अभी यहाँ पे निकाल लूंगी और इसे इस तरह से डेकोरेट कर लूंगी। और अभी मैं जो लेमन सॉस बनाई हूँ उसे मैं यहाँ पे डालूंगी। धन्यवाद। और ये मेरी लेमन सॉस डाल दिया एंड इज वेरी मच रेडी फॉर द सर्व। और फिश कॉन्टिनेंटल इस तरह से बना के तैयार है। आप चाहे तो इस तरह से फिश कॉन्टिनेंटल बना सकते हैं या तो चिकन कॉन्टिनेंटल भी इसी स्टाइल में आप बना सकते हैं। और अगर आपको मेरे इस रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।